हेलो दोस्तों, ललिताज चूल्हा चौका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दिवाली में बनने वाली कटबोड़ी। कटबोड़ी के लिए हमें भाजनी तैयार करनी है। इसके लिए हमने आधी कटोरी गेहूं लिया है। इसे हमें हल्का भूनना है धीमी आंच पे। भी इसमें डालेंगे चना, इसे भी हमें हल्का भूनना है। हल्का गुलाबी रंग आने तक हमें इसे भूनना है। हमें ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हम बाद में इसे फ्राई भी करने वाले हैं। ये सभी दालें और धान्य है, ये हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल और सभी प्रकार के दालें यानी चना दाल, मूंग दाल, मोठ की दाल, उड़द की दाल और तूर की दाल लिया है। आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें कड़धान्य भी ले सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो जो आप ले सकते हैं या आपके घर में जो जो धान्य अवेलेबल है, दालें अवेलेबल है, उसे हमें लेना है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, खाली हमें इसे हल्का भूनना है। भून के ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में पीस सकते हैं या बाहर से भी पिसवा के ला सकते हैं। इन सभी धान्य को हमें ठंडा करना है और आप इसे पिसवा के ला सकते हैं या आप इसे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। इसमें आप ज़ीरा और धनिया भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसे मिक्सी में पीस लिया था और मैदे के छन्नी से इसे छान लिया है, लेकिन मिक्सी का आटा थोड़ा दरदरा होता है, तो ये हमने घर पर ही पिसा लिया था मिक्सी जार में। तो ये देखिए, अभी इसमें से हम एक कप कड़बोड़ी की भाजनी निकाल लेते हैं। अभी इसमें डालेंगे देगी मिर्च का पाउडर, स्पाइसीनेस के लिए लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, एक चम्मच सफ़ेद तिल लिया है इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे रगड़ के, और ये गरम तेल है इसमें से डेढ़ चम्मच तेल हम मोइन बोल के डालेंगे इसमें। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इस मोइन को आटे में हम अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा सादा पानी डालेंगे और इसका एक टाइट डो लगा लेंगे। पानी हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है। देखिए, इतना टाइट आटा हमें लगाना है और अभी इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए आटा थोड़ा फूल गया है और अभी हम इसके गोले करेंगे और छोटे छोटे पीस करके हम इसकी कटबोड़ी बनाएंगे। इसमें से हम थोड़ा आटा लेते हैं और इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरीके से हाथ से पानी लगा लगा के रगड़ लेंगे, सॉफ्ट बना लेंगे। जितना हम आटे को रगड़ेंगे उतनी ही हमारी कटबोड़ी है वो टूटेगी नहीं और अच्छे से बनेगी। इस तरह से हमें हथेली से रगड़ना है इसे और इसके छोटे छोटे पीस करके हमें दोनों हाथों की उंगलियों से इसे लंबा लंबा करना है और जिस साइज़ में हमें चाहिए उस साइज़ में हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे तोड़ते जाएंगे और इसके दोनों भी मुंह हैं इसे अच्छे से बंद करना है, नहीं तो ये तेल में फ्राई होते ही खुल सकती है। तो ये देखिए, इसी तरह से सभी, अभी हम इसे और थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। और ये देखिए, हम अभी छोटी छोटी बना रहे हैं तो इसका मुंह अच्छे से बंद कर लेंगे। इसी तरह से हमने सभी कटबोड़ी बना ली है, छोटी वाली और थोड़ी बड़ी साइज़ की। साइज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पूरा आटा लगाने के लिए हमें पौन ग्लास पानी लगा है। तेल को हमने गरम कर लिया है और एक गोली इसमें डालेंगे। ये देखिए, झट से हमारी गोली ऊपर आ रही है। अभी गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है।
और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें पूरी कड़बोरी फ्राई करना है। जैसे ही इसका झाग कम हो जाए तब इसे हम उलट पलट कर लेंगे और ये देखिए हमें इसे लगातार नीचे ऊपर करना है तेल में। ये देखिए इसने गोल्डन ब्राउन कलर ले लिया है और अभी इसे हम अच्छे से निथार के टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। जब ये कड़बोरी तले को बैठ जाएंगी तब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी कड़बोरी मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया से हमारी कड़बोरी फ्राई हो गई है और ये देखिए तोड़ने के बाद में इसमें नली भी आ गई है। ये अंदर से पूरी हॉलो है, बहुत खस्ता है, कुरकुरी है। आप इस दिवाली में इस कड़बोरी को ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन भी दबाना ना भूलें। दिवाली की और रेसिपीज़ के लिए हमारी दिवाली प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिए। ऐसी ही नई नई रेसिपी लेके आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।